भी सर का सानिध्य आपको अब मिलेगा। सर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आदरणीय ब्रजलाल ठाकुर सर जो सहायक अध्यापक के पद पर NIEPBD देहरादून के मॉडल स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज उनका हम लोगों के उनकी विद्वत्ता और उनका आशीर्वाद पुनः मिलेगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने अबेकस पर भिन्न की संक्रियाएं करना सीखा था, और इस क्लास में हम लोग भिन्न के आगे वर्गमूल कैसे अबेकस पे करेंगे इसके बारे में सर से सानिध्य लेंगे। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय थोड़ा हो चुका है। निवेदन करूंगा सर से, यह मेरी तरफ से निवेदन रहेगा कि 12:30 से क्लास चालू हो रही है, तो हम लोग प्रयास करें कि इसको 1:30 तक चलाने की कोशिश करें, जो भी सर के पास समय होगा। आदरणीय ब्रजलाल ठाकुर सर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, नागेश कुमार पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विकास सर और सभी जितने भी प्रतिभागी हैं इस मीट में, उन सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा एक गैप हो गया था कि जहां तक मुझे उम्मीद थी कि शायद 1 बजे से 2 बजे तक आपने परसों बताया था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग था कि शायद अभी 1 बजे, तो मुझे ऐसे ही बाय चांस ध्यान आया कि चलो विकास सर से एक बार जरूर बात कर लूं कि कहीं लिंक चेंज तो नहीं हुआ। तो विकास सर को जब बात करने की कोशिश की तो शायद दूसरे वेबिनार में व्यस्त थे, उन्होंने रिस्पॉन्स किया तो बताया कि अब ये शुरू टाइम सेम है। तो खैर, मैं पुनः आज आपके सामने, जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने फ्रैक्शंस को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ अभ्यास किया था, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम स्क्वायर रूट के बारे में, अबेकस पे स्क्वायर रूट कैसे करना है भाग विधि द्वारा, उसका अभ्यास करेंगे और कुछ नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, तो पहले थोड़ा ये जानना जरूरी हो जाता है कि स्क्वायर रूट है क्या, स्क्वायर रूट और स्क्वायर है क्या। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका स्क्वायर हमारे पास जो प्रोडक्ट के रूप में आता है उसका स्क्वायर होता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 2 का स्क्वायर के रूप में हमारे पास 4 आ जाता है, और अगर 4 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं तो स्क्वायर रूट जो होता है वो किसी नंबर का एक फैक्टर होता है, जिस फैक्टर को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वो जो अमुक नंबर है वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है उसके प्रोडक्ट के रूप में। तो रूट और स्क्वायर रूट के बारे में जानने के पश्चात मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, अगर जब भी आप अबेकस उठा के, अबेकस लेके अगर आप अबेकस पे कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपकी तैयारी थोड़ी ये होनी चाहिए कि आपको ओरल कैलकुलेशन और जो मैं कहूंगा मेंटल मैथ में आपको थोड़ी सी उससे पहले प्रैक्टिस अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं चाहूं कि मुझे टेबल्स नहीं आते हैं और मुझे मल्टीप्लाई करना है तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा, और टेबल्स नहीं आते हैं डिवाइड करना है तो भी शायद थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से जब हम स्क्वायर या स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो यदि आपको 1 से लेकर कम से कम अगर 20 तक के जो स्क्वायर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनका अगर टेबल लर्न है तो शायद आप जो स्क्वायर रूट हैं और स्क्वायर हैं उसको आसानी से समझ सकते हो और अबेकस पर कर भी सकते हो। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो मैं बात कहूं कि अबेकस पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि जो लास्ट स्टेप होता है वो अपने आप आगे इरेज होता जाता है जैसे जैसे नया स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आपको या हमें 0 से लेकर कम से कम 20 तक यदि स्क्वायर रूट स्क्वायर्स लर्न है तो थोड़ा हमें आसानी मिलती है स्क्वायर रूट और स्क्वायर फाइंड आउट करने में। तो शुरू करते हैं अभी अबेकस पर कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले कि एक बार रिकॉल कर लें कि 1 से लेकर जो 20 तक जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर क्या होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा। उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का 6, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी तरह से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का
196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। इसी तरह से यदि आप जितना ज्यादा इनको लर्न कर सकें, कंटेस्ट कर सकें, सीख सकें, तो वो आपकी कैलकुलेशन में आपको मदद देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अबेकस पर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। सबसे पहले अबेकस पर हम स्क्वायर रूट के लिए कोई नंबर लेंगे। अब उस नंबर को लिखना कहाँ है, थोड़ा सा हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, यदि तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है, तो उसके लिए तो हम अगर राइट साइड में कोई सेल नहीं भी छोड़ते हैं तो हम आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमें जो नंबर है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके बाद हमें उसको पॉइंट्स में ले जाना है, उसके बाद जीरो जीरो आएंगे, तो उसको लिखने के लिए हम राइट साइड से तीन जो सेल हैं वो छोड़ के चलते हैं, दो तीन सेल छोड़ के चलते हैं, ताकि हम उसको बाद में उसमें पॉइंट्स के बाद जो जीरो हम लगाने वाले हैं वो उसमें हम लिख सकें। यहां तक कि कुछ बुक्स में राइट साइड से जो हम सेल छोड़ेंगे वो छोड़ने के लिए नहीं भी बताया गया है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब हम बात करते हैं तो आपके लिए किसी नंबर का ये जानना कि वो स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बहुत बार इतना काफी हो जाता है। उसके अलावा जब हमें परफेक्ट किसी नंबर का अगर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट्स में भी, तो तब हमें जरूरत पड़ती है कि जो हम नंबर लिख रहे हैं उसके राइट साइड में कुछ कॉलम्स खाली हों। तो अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो भी नंबर लेंगे वो राइट साइड से तीन जो बार्स हैं उनको ब्लैंक छोड़ने के बाद उसके लेफ्ट साइड में लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर ले रहा हूं 625, 625 में नंबर ले रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से तीन जो कॉलम है, जो बार्स हैं, उनको छोड़ के उसके बाद हम वंस का डिजिट जो है 625 में वंस का डिजिट 5 लिखेंगे। फोर्थ जो बार है राइट साइड में उसमें हम 5 सेट कर देंगे। फिफ्थ में 2 सेट कर देंगे और सिक्स्थ में 6 सेट कर देंगे, हो जाएगा 625। अब यहाँ एक बात, एक ट्रिक मैं आपको ये बता देता हूं कि जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो देख के किसी नंबर को हम इतना जरूर बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कुछ एक जैसे अगर वंस का जो डिजिट है किसी नंबर का, वो अगर 2, 3, 7 या 8 है, वंस जो डिजिट है वो यदि 2, 3, 7 या 8 है, तो वो जो नंबर है ना वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 2, 3, 7 और 8 यदि वंस डिजिट है तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। इसलिए कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि जो दिया हुआ नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ध्यान है, यदि उसका वंस 2, 3, 7 या 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और उसके अलावा बाकी अगर 2, 3, 7 और 8 के अलावा जो 0 है, 1, 4, 5, 6, 9 है, अगर वो वंस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक छंटनी करने के लिए या कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया तो एकदम से बताने के लिए, अगर कहीं उसका वंस जो है 2, 3, 7 या 8 है, तो आप एक बार में बोल सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए 625 हमने यहाँ पे लिया है, हम इसका यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नंबर होता है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है, राइट साइड से हम उसे 2, 2 के ग्रुप्स में पहले बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और 2, 2 के ग्रुप्स हम राइट साइड से उसके बना देते हैं। तो इसमें एक्सट्रीम राइट में वंस में है 5, टेंस में है 2 और हंड्रेड में है 6। तो जो हमारा ग्रुप बन जाएगा वो राइट साइड से बन जाएगा 5, 2, 5, 25 और 6 हमारा उसमें ग्रुप सेकेंड ग्रुप होगा सिंगल 6 का। अब 6 को का जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ऐसा कोई नंबर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, ऐसा कोई डिजिट जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर 6 या 6 से कोई छोटा नंबर आए, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर जैसे मैंने स्क्वायर का जो आपको पहले टेबल बताया कि 1 से लेकर 20 तक के जो स्क्वायर है अगर उसमें हम बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9. तो 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से पहले डिवाइड करेंगे. 2 2 4, जो 2 है एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके हम लोग 2 लिखेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो क्वेश्चन आएगा 4. अब यहाँ पे 4 हम कहाँ लिखेंगे, यदि तो ये जो यहाँ पे जब हम भाग इसे कर रहे हैं स्क्वायर रूट में तो मैं बात करूंगा ये डिविडेंड के रूप में है हमारे पास. इसका जो हाईएस्ट यूनिट है 6 यहाँ पे हमारे पास, तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर अगर ये नंबर 6 जो है जैसे 2 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में एक सेल छोड़ के इसका जो आंसर है वो लिखना शुरू करेंगे. तो 6 के लेफ्ट साइड में एक बार ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट साइड में दूसरी बार है 6 के, उसमें हम 2 सेट कर देंगे. 2 2 4 और 6 में से 4 क्लियर कर देंगे. तो 4 क्लियर करने के लिए बीट्स अवेलेबल नहीं है, हम क्या करेंगे क्लियर 5 एंड सेट 1. क्लियर 5 एंड सेट 1. हमने 5 को क्या कर दिया, 5 को क्लियर कर दिया और 1 सेट कर दिया. ये हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके 6 में से 4 माइनस कर लिया है. अब हमारे पास है 1s में 100s में 2, 10s में 2 और 1s में है 5. 225 हमारे पास नंबर बचता है आगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. अब यहाँ इस जो फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप में तो आपको सीधा देखना है कि कौन सी डिजिट को उसका डबल या उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर है हमारे पास उसको जो उसका प्रोडक्ट है उसके आसपास होता है, कम होता है या बराबर होता है. लेकिन उसके बाद जब सेकंड स्टेप हम इसका करेंगे स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पे आपको एक अज्यूम करना पड़ता है क्वेश्चन कि कौन से नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया जाए. तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी हमने जो एक्सट्रीम लेफ्ट में 2 सेट किया है उसको हम क्लियर कर देंगे. अब जो हमारा यहां मैं कहूं क्वेश्चन जो आया है वो है 2 और हमारा जो नंबर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बचता है 225. अब हम क्या करेंगे 225 का हाफ कर देंगे. 225 का हाफ कर दिया हमने, 225 का हाफ होता है 112 के आसपास, 112.5. अब 112 है और 112 है तो शुरू में उसमें आएगा आपका 1111, मतलब 112 है तो 112 होगा उसमें. तो 1111 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा. 11 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 5 टाइम जाएगा. ध्यान रहे अब ये जो 5 है इसका यूज हम कहां करेंगे, देखिए 2 से हमने फर्स्ट स्टेप में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था. अब जो सेकंड स्टेप शुरू होता है स्क्वायर रूट का वो 2 का डबल हो जाता है जो आएगा 4. तो 2 से 11 को हमने डिवाइड किया था, आगे था 5, तो हम 4 के साथ में यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट में 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 45. ठीक है, तो अब 45 जो है 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 क्वेश्चन में हमने लिखा था उसके राइट में लिखेंगे 5 और 45 को 5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे. तो 5 5 4 20 20 means 225 का जो 2 है उसमें से 2 क्लियर कर देंगे और उसका जो 10s का 2 है उसमें से 0 क्लियर होगा. उसके बाद 5 5 25, तो 10s का जो 2 है वो 25 क्लियर करना है तो 10s में से 2 क्लियर कर देंगे और 1s में से 5 क्लियर कर देंगे. तो अब आप ये देख सकते हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपने जो लिखा था 45 उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे. तो ये हमारा 625 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 25. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अब सेकंड एक एग्जांपल हम पुनः लेते हैं. सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं 1296. तो 1296 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो इसको लिखने के लिए वही पहले की तरह राइट साइड में हमने 3 सेल छोड़ दिए. उसके बाद 1296 तो ये 7th जो बार है राइट साइड से उसमें हम 1 लिखेंगे, 6th में 2 आ जाएगा, 5th में 9 और 4th में 6. 1296 हमने अब एक पर लिख दिया है 1296. उसके राइट साइड में 3 जो बार है वो ब्लैंक है. अब हम 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो राइट साइड से ग्रुप्स बना देंगे.
6996 का ग्रुप बन गया एक, और उसके बाद लेफ्ट की तरफ जाते हुए 21 अर्थात 1 to 12 है, तो 12 का ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 12 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 12 या 12 के आसपास जाता है। तो 3 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं तो होता है 9, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे हम 3 का जो परफेक्ट स्क्वायर है 9 होता है, वो 12 के आसपास है या 12 से कम है। तो यहाँ पे हम 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में 3 सेट कर देंगे, और 12 के 1 के जस्ट लेफ्ट में हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 3s are 9। तो 12 के 2 से हम 9 माइनस करना है हमें, क्योंकि 12 में 2 वन्स है और 9 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को हम 09 लेके चलते हैं, तो 9 भी अपने आप में वन्स है, तो 2 में से 9 माइनस करना है। तो यहाँ पे बीट अवेलेबल नहीं है, 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो रूल होता है हमारा गो टू द लेफ्ट क्लियर 1 एंड सेट 1। तो 2 वाली जो बार थी उसमें हमने 1 बीट सेट कर दिया और लेफ्ट साइड में जाके 1 बीट को क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 को 12 से माइनस कर दिया है, और जो हमारा अभी नंबर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बचता है वो है 396। और अब हम जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने 3 लिखा था उसको हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे अब जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको डबल कर देते हैं, सॉरी जो क्वेश्चन होता है उसका डबल कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 3 है, 3 का हमने डबल कर दिया 6, ठीक है। अब हमें अज्यूम करना है कि 6 के राइट साइड में वो कौन सा डिजिट हम लिखें कि जिसको, जैसे सपोज करो मैं 2 लिखता हूं 6 के राइट में तो 62 हो जाएगा, तो 62 को फिर हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा आंसर आना चाहिए 396 के आसपास, ठीक है। तो अब 6 के राइट में 2 तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 62 2 जा चलो 124 होता है, तो नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 396 है इसमें 39 है पहले, तो 39 का हाफ करके देखते हैं। 39 का हाफ होता है 18, 39 का हाफ होता है 18, सॉरी 39 का हाफ हो जाएगा 18 टू जा 36, 19 टू जा 38, 39 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 19। तो 19 को इस 3 से हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं 3 6 18। तो वो जो 6 है अब हम यहाँ पे 6 के साथ में वो 6 लिख देंगे, तो हमारा जो डिवाइजर है अब बन जाएगा 66। और क्वेश्चन है हमारा 3 था, 3 के राइट साइड में भी हम 6 लिख देंगे, 36 हो जाएगा। तो अब 66 को 36 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसको 396 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 36 के 6 से 66 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करते हुए चलेंगे लेफ्ट साइड से। तो 6 6 जा 36, तो 396 के 39 में से हम 36 हमें माइनस करना है। तो टेंस में 3 है, क्लियर कर दिया 3, वन्स में 9 है, 6 क्लियर करना है, तो ऊपर से 5 का बीट क्लियर कर दिया, नीचे से 1 बीट क्लियर कर दिया हमने। अब हमारे पास एक मल्टीप्लाई अभी और करने को है, 66 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 6 36 हमने क्लियर कर लिया है। अब हम पुनः 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 36, तो टेंस में से 3 क्लियर कर देंगे और वन्स में से हम 6 क्लियर कर देंगे। तो ये जो नंबर है आपका 1296 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 36 का, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो भी हमने लिखा होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा नंबर लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले अबेकस में आपने जो भी लिखा है उसे क्लियर करना ना भूले, विशेषकर जो पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन शुरू करते हैं तो बीट कोई भी अगर डिवीजन बार से अटैच है तो आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हो तो उसमें बीट सेट करते हुए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक एक्स्ट्रा बीट कहां से आ गया, क्योंकि एक स्टेप में अगर आप एक्स्ट्रा बीट एक जुड़ गया तो नेक्स्ट स्टेप जब आप करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे पहले अबेकस में ये चेक कर लें, क्योंकि वीआईज को स्पेशली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो साइटेड टीचर्स हैं, साइटेड जो स्टूडेंट हैं वो अगर कर रहे हैं तो एक बार देख के वो एक नजर में देख लेंगे कि अबेकस में डिवीजन बार से कुछ भी सटा हुआ नहीं है, और अगर है तो उसको क्लियर कर देंगे। और वीआईज लोग हैं जो एक बार जरूर
और टच करके देख ले कि कहीं कोई बीट जो सेपरेशन बार है या डिवीजन बार है उससे सेट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। 55,225, 55,225 उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो राइट साइड से मैं तीन लाइन छोड़ देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 55,225। तो जो एट्थ बार है राइट साइड से उसमें मैंने सेट किया है 5, सेवेंथ बार में 5, सिक्स बार में 2, फिफ्थ बार में 2 और फोर्थ बार में 5 और थर्ड और सेकंड और फर्स्ट बार जो है वो ब्लैंक है। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड से ग्रुप्स बना देंगे, जो राइट साइड से जो वन्स और टेन्स का ग्रुप बन जाएगा 25, हंड्रेड्स और वो बन जाएगा 52, और जो 10,000 है 5 वो अकेला अपने ग्रुप में होगा। तो सबसे पहले हम 5 को, 5 का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको जिसका स्क्वायर 5 के आसपास होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 का स्क्वायर 4 हम यहाँ पे लेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 5 2 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सेल छोड़ के जो 2 है वो लिखेंगे। 5 के लेफ्ट साइड में मैंने एक सेल छोड़ दिया है, एक लाइन छोड़ दी है, और उसके लेफ्ट बार में जो मैंने 2 सेट कर दिया है, 2 2 4, तो 5 में से क्या करेंगे हम 4 क्लियर करना है। तो 4 क्लियर करने के लिए 4 बीट नहीं है तो क्या करेंगे हम, क्लियर 5 एंड सेट 1। 5 को क्लियर कर दिया और उसी लाइन में हमने 1 बीट को नीचे से सेट कर दिया। तो ये हमने जो फर्स्ट स्टेप है वो पार कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो वन एक डिजिट है, फर्स्ट डिजिट तो आ जाएगा जो हमारा अभी तक का क्वेश्चन है 2, उसको डबल करने से 4 आ जाएगा, लेकिन उसका वन क्या डिजिट बनेगा ये हमें अज्यूम करना होता है। तो अज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास नंबर है 152, 152, 152 है हमारे पास। तो 152 को हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देते हैं, 152 का हाफ हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 70, 152 का हाफ हो जाएगा 76, ठीक है 76 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि 76, 7 को 2 का टेबल कितने टाइम जा सकता है? तो 7 को 2 का टेबल जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में 2 का पहले डबल कर देंगे, हो जाएगा 4। अब 4 का जो वन बनेगा, तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे 76 के 7 को 2 का टेबल 3 टाइम्स जा रहा है, तो अज्यूम क्वोशेंट में जो वन आएगा उसको क्या कर लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, तो बन जाएगा 43, ठीक है। तो यहाँ हम 43 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 3 हमने लिखा तो 3 टाइम्स ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो हम स्क्वायर रूट लिख रहा था हमने 2, उसके राइट साइड में भी हम 3 लिख देंगे, और 43 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर है हमारा 1522 उसमें से माइनस कर देंगे। तो 3 4 12, तो 1515 है, उसमें से 12 माइनस करना है। 1 का 1 क्लियर कर दिया, 5 का 2 क्लियर करना है, तो क्लियर 5 सेट 3, ठीक है 3 4 12 हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट है जे 3 3 9, तो 9 को जो है हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, 0 9 लिखते हैं। तो जो हंड्रेड बार है उसमें से 0 माइनस होगा और 10th बार में से हमें 9 क्लियर करना है। तो 9 क्लियर करने के लिए रूल होता है लेफ्ट क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 1। तो हमने क्या किया, हंड्रेड में गए 1 बीट को क्लियर किया और 10th में 1 बीट को सेट कर दिया। तो ये 3 4 12 माइनस कर लिया हमने और 3 3 9 माइनस कर लिया, तो ये हमने सेकंड कैलकुलेशन अपनी कर ली है। हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 2 और 3 अभी तक, और हमारे पास रिमेनिंग जो नंबर बच रहा है वो है 3135, 3135 हमारे पास रिमेनिंग बचता है। तो अब हम क्या करेंगे, 314 है हमारे पास, 314 का हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। 314 है तो हाफ कर देंगे, तो बन जाएगा 150, 1314 है तो 1
157 बन जाएगा, ठीक है, 157 313 है, 313 है, तो उसका हाफ बन जाएगा 156 के आसपास। 156 को हम यहाँ क्या करेंगे, 23 से, और 23 से हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी बार जाता है। तो 23 से अगर हम 156 की बात करें तो ये लगभग 7 6 6 टाइम जाएगा, 23 6 टाइम जाएगा, ठीक है। अब हम 6 टाइम से करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 23 का डबल हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा, और अब हमें इसको 3135 को डिवाइड करना है 46 से, तो किस तरह से होगा ये अब देखना है। इसके राइट साइड में जो हम अज्यूम कोशेंट लेके चल रहे हैं वो बना 313 है हमारे पास, तो उसका क्या किया हमने हाफ कर दिया, जो हो गया 156। 156 को 23 से हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 टाइम, तो हम क्या किया यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, ठीक है। 6 लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि कोशेंट में जो स्क्वायर रूट है वहां भी हमने 6 लिख दिया, हम 6 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे 3135 से। सबसे पहले 6 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 6 4 24, 2 क्लियर कर दिया, 1000 से, और 4 क्लियर करना है 100 से, 4 बीट हमारे पास नहीं है, क्या कि हमने क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड और सेट 6। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 6 36, तो 36 माइनस करना है, 36 माइनस करने के लिए 3 माइनस करना है हमें 100 से, क्लियर 5 सेट 2, और 6 माइनस करना है 10 से, 6 माइनस 10 से करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 माइनस करना है, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1, और 4 सेट कर देंगे, 4 सेट करने के लिए सेट 5, क्लियर 1 हो गया, और लास्ट जो मल्टीप्लिकेशन बचता है 6 6 36। अब हम क्या करेंगे, 36 माइनस कर देंगे, 3 माइनस किया हमने, और 6 माइनस करेंगे, और बचता है हमारे पास, अब रिमेनिंग बचता है 1515। तो ये जो क्वेश्चन किया हमने इसमें समय तो हमने काफी लगा लिया, लेकिन मुझे लग रहा कि मैंने कोई स्टेप इसमें क्या कर दिया, मिस कर दिया, गलत कर दिया, जिसकी वजह से आंसर जो है हमारा वो सही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 55,225 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें दोबारा करना होगा। हम सभी से चाहूंगा कि अपना अभिकस पुनः क्लियर कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अब दोबारा करना होगा। तो ये चीज हमें ये बताती है कि अभिकस में आपको कितना अटेंटिव होके अभिकस में क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो वो मिस्टेक की वजह से आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो दोबारा करना पड़ता है। तो एक बार फिर हम इसी प्रश्न को करते हैं, वो जो है 55,225 235, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसे, 23 24 3 72 7 24 8 55, ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर है वैसे, क्योंकि 55,225। एक बार पुनः इसको हम करने का अभ्यास करते हैं, राइट साइड से 3 सेल छोड़ के जो 8th है, 8th बार है, 3 3 6 7 8th बार में हम लिखेंगे 5, 7th में 5, 6th में 2, 5th में 2, और 1s में आ जाएगा 5। अब हम इसको सबसे पहले क्या किया हमने, ग्रुप्स बनाएंगे राइट साइड से, फर्स्ट ग्रुप हो गया 25 का, सेकंड ग्रुप हो गया 52 का, और थर्ड ग्रुप में है हमारे पास 5। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको 5 को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4, 5 के लेफ्ट में एक सेल छोड़ के हम 2 लिखेंगे, 2 2 4, और 5 में से 4 हम माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करने का रूल होता है क्लियर 5 सेट 1, ठीक है। अब हमारे पास आता है 152, तो 152 को पहले तो क्या कीजिए आप, जो 2 आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा है उसका डबल कर दीजिए, और एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख लीजिए 4, अब 4 के
राइट साइड में वंस क्या आना है इस नंबर का, ये हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम कहाँ से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 15, 15 का हमने क्या किया, हाफ कर दिया, हो गया लगभग 7। और 7, और 7 को 2 से कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के लिए, तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो अज्यूम कोशेंट हमारा यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो अज्यूम्ड डिवाइजर है वो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट के पास हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 4 12, थाउजेंड्स में से 1, 10,000 में क्या किया हमने, 1 क्लियर कर दिया। और थाउजेंड्स में 5 है, 5 में से हमें 2 क्लियर करना है, तो क्लियर 5 सेट 3। अब 3 3 3 9, अब 9 माइनस 9 माइनस करना है, तो 1000 में जो हमने 3 लिखा है वहां से 0 माइनस होगा, और उसके लेफ्ट साइड में जाके क्या करेंगे हम, 9 माइनस कर देंगे। 9 माइनस करने के लिए, और क्योंकि 0 9 होता है, तो 9 माइनस करने के लिए क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड और सेट, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड और सेट 1। ठीक है, 9 माइनस हमने कर लिया। ये हमने 43 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर था हमारे पास स्क्वायर का, उसमें से माइनस कर लिया, तो हमारे पास बचता है 2325, 2325 बचता है। अब हम जो लेफ्ट साइड में हमने लिखा है उसको हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो हम क्वेश्चन अज्यूम करेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है 232 है स्क्वायर में, उसका हम हाफ कर देते हैं, 232 का हाफ हो जाएगा 116। तो 116 को अगर आप 23 से डिवाइड करते हैं हम, तो 5 टाइम्स जाता है, तो जो अगला हमारा अज्यूम्ड क्वेश्चन होगा वो होगा 5, अज्यूम्ड स्क्वायर होगा वो होगा 5। तो पहले 23 का डबल किया, हो गया 46। उसके वंस के रूप में हम क्या लिखेंगे, जो हमने अज्यूम किया 5 होगा, और 23 जो हमारा स्क्वायर था अभी तक उसका, उसके राइट साइड में भी क्या लिखेंगे हम, 5 लिख देंगे। अब 465 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्क्वायर नंबर है हमारा उसमें से माइनस कर देंगे। 5 4 20, तो 1000 में से 2 क्लियर किया, 100 में से 0 क्लियर करेंगे। उसके बाद 5 6 30, तो 100 में से 3 क्लियर किया और 10 में से 0 क्लियर करेंगे। उसके बाद 5 5 25, तो 10 में से 2 क्लियर किया और 1 में से 5 क्लियर करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेफ्ट साइड में हमने जो मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर लिखा था उसको हम क्या कर देंगे, 4 6 और 5 को क्लियर कर देंगे, जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 235। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। और इस तरह से हम अबेकस पर जो है स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करें तो बड़ी आसानी के साथ में ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं और स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं अभी सर से चाहूंगा, खैर अभी हमारे पास टाइम काफी है, यदि कोई क्वेरीज हो या जो कल की कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे उनको रिवाइज करना हो तो सर कृपया मुझे बताएं। अगर कोई चाहता है कि फ्रैक्शंस का जो उसमें हमने ऑपरेशन जो किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था, उसमें से अगर कोई चीज दोबारा हमें करवानी हो या स्क्वायर का ही प्रैक्टिस कुछ दोबारा करनी हो तो कृपया जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें अपना जितना हो सकता है योगदान दे सकूं। और मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके आसानी से हर स्टेप को बिल्कुल बारीकी से बताऊं। और साथ ही एक चीज मैं सभी को और बताना चाहूंगा कि जो भी मैं आप सब लोगों को बताया है, जो भी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सभी मेरे पास कुछ किताबें हैं जिनके मैं आपको नाम बता देता हूं। एक बुक है अमेजिंग अबेकस, अमेजिंग अबेकस बुक है ये, जो श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोयम्बटूर में है, वहां पे प्रिंसिपल थे डॉक्टर MNG मणि जी, उन्होंने ये बुक लिखी है, जो उस टाइम समय प्रिंसिपल थे जब ये बुक लिखी है। अभी कौन सी पोस्ट पे है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी बुक है अमेजिंग अबेकस, उसमें से कंटेंट लिया हुआ है मैंने। और साथ में NIEPBD देहरादून में ही हमारे एक हिंदी की पुस्तक मिलती है अबेकस ज्ञान, जो लेट श्री SE काजमी जी ने लिखी है, जो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे। और साथ ही एक बुक है द अबेकस मेड इजी,
और इसके अलावा एक आनंद आठलेकर जी की बुक है सुलभ अबेकस। ये कुछ बुक्स हैं जिनको स्टडी करके मैंने जो सब चीज़ आप लोगों को बताई है ये कहीं ना कहीं इन सभी बुक्स से हैं। तो मैं अब गुजारिश करता हूँ सर नागेश कुमार पांडे सर से कि अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन या कोई दोबारा बताना हो तो प्लीज सर मुझे बताएं ताकि हम इसको आगे कर सकें। सर बहुत बढ़िया आपने बताया सभी छात्रों को, और कुछ बच्चों ने प्रश्न किए हैं, बेशक वो प्रश्न कल से ही संबंधित हैं। एक अंजलि यादव ने कहा सर कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बता दीजिए, फिर प्रीति यादव ने लिखा फ्रैक्शन एक बार फिर से बता दीजिए या समझा दीजिए। हर्षित सर मदनवाल ने जरूर लिखा सर कि उभरी है सर, तो एक सॉरी बार सर मैं हमें सुना लगता है नहीं थोड़ा लास्ट सा वाला। दोहरा दीजिए एक बार। सर मैं चाहूंगी एक्सक्यूज मी सर सर मैं जी चाहूंगा कि हमारे पास समय अभी थोड़ा है, अगर आप 1:30 बजे का ये 12:30 से डेढ़ लेके चलते हैं जी तो 20 से 25 मिनट का समय है। तो मैं जो कल हमने किया था एडिशन हाँ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का, ज्यादा नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन का एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है कंप्लीट। उसमें क्या करना है तो आपको एक जो फ्रैक्शन है उसको इन्वर्ट करना होता है और वो बिल्कुल जो मल्टीप्लिकेशन है उसी पे बेस्ड है। तो इसलिए मैं पुनः एक एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक जी है सर? सर बिल्कुल ठीक है सर, ओके समय का कोई वो न रखिएगा, आप जी जी अपनी तरफ से बताएं, यहाँ विशेषज्ञ आप सुन रहे हैं, आपकी विशेषज्ञता के लिए पूरा समय उपलब्ध है, आप बताएं सर। आराम श्योर से, सर थोड़ा सा मैं स्पीड की बात हुई है कि स्पीड ओके ओके थोड़ा ओके सा सर स्लो कर लीजिएगा। ओके सर जरूर सर जरूर मैं कोशिश करूंगा ठीक और कोशिश करूंगा, क्योंकि उद्देश्य जो है इस मीट का, हम अगर जुड़े हैं आपस में तो उद्देश्य यही है कि लर्निंग आउटकम्स जो है वो मिलनी चाहिए। अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो शायद मैं समझूंगा कि वो सब चीज सार्थक नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो अभी हम मैं करवाने जा रहा हूँ 3 क्वेश्चन कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शंस में, और उनको बारी बारी से करने की कोशिश करता हूं और आराम से उम्मीद करूंगा कि थोड़ी सी मैं लगाम दूं, थोड़ा सा लगाम खींच लूं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन मैं अभी लेने जा रहा हूं, एडिशन का एक सम लेने जा रहा हूं। सबसे पहले प्लीज सब लोग अपना अबेकस क्लियर कर लें। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन है 5/4 और +3/5। 5/4 + 3/5। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रैक्शन जब भी हम करेंगे, फ्रैक्शन हम जब भी कर रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज हमें देखने योग्य है कि अबेकस पर हम दोनों फ्रैक्शंस पहले नहीं लिखते, क्योंकि जो उसका अगला ही स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपको दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम जैसे कि सब लोग जानते भी होते हैं ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जो भी मल्टीपल्स होंगे डिनोमिनेटर्स के उन मल्टीपल्स में जो कॉमन होगा, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे 2 और 5 और 6, 3 नंबर में यहाँ पे ले रहा हूँ, 2 भी ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ और 6 ले रहा हूँ, तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या है? तो ये देखने के लिए हमें सबके मल्टीपल्स देखने होंगे, उसका तरीका अलग है। लेकिन अब सिंपल वे में मैं कहूँ तो हम मल्टीपल्स देखेंगे, 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, सब 2 के मल्टीपल्स हैं जो इवन नंबर्स हैं। और 5 का अगर मैं देखता हूँ तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो है 5 के मल्टीपल्स होते हैं। इसी तरह से 6 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो 6, 12, 18, 24 और 30 6 के मल्टीपल होते हैं। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो 6 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है और इवन नंबर है इसलिए 2 का भी मल्टीपल है। तो जो 30 है वो ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको 2, 5 और 6 तीनों से डिवाइड किया जा सकता है या तीनों का वो मल्टीपल है। तो इसलिए 2, 5 और 6 का मल्टीपल जो एलसीएम हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो हो जाता है 30। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 5/4 + 3/5। तो चलिए अभी का शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5/4 + 3/5 का, 5/4 + 3/5 का मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेता हूँ। जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है 4 एंड 5। तो 4 और 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो होता है 20, ठीक है? क्योंकि 20 फोर
फोर से भी आप डिवाइड कर सकते हो 20 को, या 4 का मल्टीपल भी है 20 और 5 का मल्टीपल भी है, तो इसलिए इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 5 दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो 20 हमारा एलसीएम हो जाता है, उसको हम लिखेंगे एक्सट्रीम राइट में जाके लिखा मैंने 20। अब दूसरा जो स्टेप होता है हमारा फ्रैक्शंस के सम्स को सॉल्व करने का या एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने का, वो होता है कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है जो हमारे पास है 5/4, उसको लेफ्ट साइड में जाके हमें लिखना होता है। तो लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो फर्स्ट बार है उसमें सेट कर दीजिए 5, और उसके राइट में एक बार ब्लैंक छोड़ के सेट कर दीजिए 4। तो अभी जो हमारे पास अबेकस में लिखा हुआ है, राइट साइड में हमने लिखा है एलसीएम जो है 20, और लेफ्ट साइड में हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिखी है जो है 5/4। लिख लिया सबने इतना। अब आगे है क्या है कि क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 5/4 लिखा है हमने, तो डिनोमिनेटर है 4। डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर हो गया अंश और डिनोमिनेटर हो गया हर। तो जो पहली भिन्न का जो हर है, पहली फ्रैक्शन का जो हर है, उससे हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या पहली भिन्न का जो हर है वो है 4। 4 से हम भाग करेंगे 20 को, तो क्वोशेंट आता है हमारे पास 5। 4 5 20, 5 आता है, और उस 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली भिन्न के अंश को या पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को जो है 5। तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, आ जाएगा 25। 5 5 25। तो 25 कहां लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बार होती है वो होती है डिनोमिनेटर्स की, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ बार होती है न्यूमरेटर की। तो फोर्थ और फिफ्थ बार में हम 25 लिखेंगे, फोर्थ बार में आ जाएगा 5 और फिफ्थ बार में हम लिखेंगे 2। अभी आप देख सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने जो है 5/4 लिखा है जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, एक्सट्रीम राइट में हमने एलसीएम लिखा है जो 20 है, और उसके लेफ्ट में जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम है उसमें हमने न्यूमरेटर लिखा है जो हमारा बन गया 25। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, जो हमने फ्रैक्शन लेफ्ट साइड में लिखी है उसे हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, और उसकी जगह जो सेकंड फ्रैक्शन है अब हम उसे लिखेंगे जो है 3/5। तो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो बार है वहां पे हम सेट करेंगे 3, और उसके राइट साइड में एक बार ब्लैंक छोड़ने के बाद हम लिखेंगे 5। 3/5 मैंने अबेकस पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही जो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय किया था कि जो डिनोमिनेटर है इसका वो है 5, जो हर है वो है 5, उससे भाग करेंगे 20 को। 5 से 20 को भाग किया, 5 से 20 को डिवाइड किया तो आ गया 4, और 4 से न्यूमरेटर है हमारे पास 3, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम गुणा कर देंगे, तो 4 3 या 4 3 12 हो गया। तो 12 को कहां ऐड कर देंगे हम, न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर है हमारे पास 25, तो 25 के 10 में 12 का 1 ऐड कर देंगे, और 1s में है 5, उसमें हम 2 सेट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता 37। और जो फ्रैक्शन है लेफ्ट साइड में उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया 37/20। न्यूमरेटर आ गया 37 और डिनोमिनेटर हमने लिखा है 20, तो 37/20 आ जाता है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसको हम बड़ी आसानी से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर होता है, मतलब पूर्ण संख्या होती है, एक एक अंश होता है और हर होता है, 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो यहां से 20 से हम डिवाइड करेंगे 37 को, तो 21 20, 22 40 होता है, 40 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 21 20, तो 1 जो है वो जो क्वोशेंट आया हमारे पास वो होल नंबर कहलाता है, और होल नंबर के लिए जो हमारे पास अलॉटेड स्लॉट है वो होता है 7th 8th और 9th लाइन। तो 7th लाइन में हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 21 20, तो 37 में से हम क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, 37 में से क्या कर देंगे हम,
20 माइनस कर देंगे तो जो 10 3 है उसमें से 2 क्लियर कर देंगे और 1 7 है, 7 में से हम क्या करेंगे 0 क्लियर कर देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे उसमें। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फाइनली वो हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में जो है 1 17 अपॉन 20। तो इसके अलावा अब भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है और मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा और जितना आराम से हो सकता था बताने की। अब हम अवेकस को क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन में से चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन के फ्रैक्शन हम ले रहे हैं 6 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 5। 6 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 5 तो अवेकस पर जब हम फ्रैक्शन के सम्स कर रहे हो तो ये भी बात ध्यान रखें कि अगर एकदम से जब आपके पास सामने फ्रैक्शन आती है तो उसमें कोई अगर ऐसी फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग हो सकता है या जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसको वहीं पे ही सिंप्लीफाई कर दें। तो आपके पास फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वह है 6 अपॉन 4। तो यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 4 को डिवाइड किया 2 और 2 से 6 को डिवाइड किया तो आ जाएगा 3। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी 3 अपॉन 2। क्या बन जाएगी? 3 अपॉन 2। तो अभी हमारी जो दो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है 2 और 5 जिसका एलसीएम होता है 10। तो एक्सट्रीम राइट में जाके हम 10 सेट कर देंगे, 1s में 0 और 10s में 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट में सेट कर देंगे 3 अपॉन 2। सबसे लेफ्ट में बाएं हाथ की तरफ 3, उसके दाएं में एक लाइन छोड़ के हम सेट कर देंगे 2। एक्सट्रीम लेफ्ट में 3 सेट करेंगे और उसके लेफ्ट में एक जो बार है उसको ब्लैंक छोड़ के हम 2 सेट कर देंगे 3 अपॉन 2। अब हमने अभी अवेकस पर जो लिखा है एक्सट्रीम लेफ्ट में फर्स्ट फ्रैक्शन लिखी है और एक्सट्रीम राइट में हमने जो एलसीएम है उसको लिखा है। अब हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो आ जाएगा 5 क्वेश्चेंट और उस क्वेश्चेंट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर इसके अंश को। तो 5 से जब अंश 3 न्यूमरेटर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 और 15 को हम न्यूमरेटर के जो कॉलम होते हैं फोर्थ और फिफ्थ उसमें हम 15 लिख देंगे, फोर्थ कॉलम में आ जाएगा 5 और फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा 1। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया है, लेफ्ट साइड में जहां आपने फर्स्ट फ्रैक्शन लिखी है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम सेकंड फ्रैक्शन लेंगे 2 अपॉन 5 और उसको लेफ्ट साइड में सेट कर देंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा 2, उसके राइट में एक बार ब्लैंक छोड़ के आ जाएगा 5 2 अपॉन 5। अब सेम जैसे पहले हमने किया फर्स्ट फ्रैक्शन में स्टेप्स जो किया हमने कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 को आ जाएगा 2 और 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 2 4 आएगा तो उसको कहां क्या करेंगे हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। तो 15 है वहां पे, 15 का 1 है 5, 4 में 10 कुछ नहीं है केवल 1 है तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो सीधे हमारे पास 4 बीट्स हैं। तो 1 बाय 1 हम 4 बीट्स क्या करेंगे सेट कर देंगे। तो जो आंसर है हमारा ये 4 यहां से हमें क्या करना था, माइनस करना था, ठीक है, 15 में से क्या करना है 4 माइनस करना था। तो माइनस करने के लिए 15 जो 4 बीट हमने सेट किए थे उसको मैंने क्लियर कर चुका हूं। अभी मेरे पास केवल न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर के बार्स हैं उसमें केवल 15 लिखा हुआ है तो 15 के 5 में से 4 क्लियर करना है। तो 4 क्लियर करने का रूल होता है क्लियर 5 सेट 1। तो 5 मैंने ऊपर से क्लियर कर दिया और नीचे से 1 बीट को सेट कर दिया। अब मैं जो सेकंड फ्रैक्शन लिखा था उसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ और जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है 11 अपॉन 20। अब 11 अपॉन 20 को जब मैं कोशिश करूं या मैं करना चाहूं कि मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, इलेवन अपॉन टेन, तो अगर मैं चाहूं कि इसको मुझे क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा 11 को, 10 से डिवाइड किया 11 को तो 10 ones are 10। तो होल नंबर की जो लाइंस हैं 7th 8th और 9th जो बार है उनमें मैं 7th बार में 1 सेट कर दूंगा, 10 ones are 10। 11 में से 10 माइनस कर दूंगा, 10 में 1 माइनस हो जाएगा, 11 में से
इलेवन के टेंस जो वन है उसमें से वन क्लियर कर देंगे हम, तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा वन, वन अपॉन टेन इसका मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आंसर आ जाएगा, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हमारे पास इलेवन अपॉन टेन था। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मल्टीप्लीकेशन के एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 12/8 मल्टीप्लाई बाय 9/5, 12/8 मल्टीप्लाई बाय 9/5। तो जैसा कि सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में मैंने पहले बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, उससे बेनिफिट ये होता है कि अब जैसे मेरे पास 12/8 है, अगर मैं करना चाहूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 4 से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 4 3 12 और 4 2 8, तो ये मेरे पास जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो बन जाएगी 3/2। अब जो न्यूमरेटर है मेरे पास 3, उसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का टेबल मुझे सब लोगों को मैक्सिमम लर्न होता ही है, और हो सकता है 12 का टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करते हैं सिंप्लीफाई करके हमें इजी हो जाता है कैलकुलेशन को करना। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो मेरी यहाँ पे वो है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 9/5। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर राइट साइड में और न्यूमरेटर लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 3/2 डिनोमिनेटर 2, तो एक्सट्रीम राइट में जाके मैंने क्या किया 2 सेट कर दिया, और एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं जो न्यूमरेटर है उसको सेट कर देता हूँ 3 को। सेकंड फ्रैक्शन है 9/5, तो राइट में जाके एक सेल छोड़ के, एक बार छोड़ के मैं 5 सेट कर दूंगा, और लेफ्ट साइड में एक बार छोड़ के जो सेकंड न्यूमरेटर 9 मैं वो लिख दूंगा। अब क्या करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27, एक्सट्रीम लेफ्ट में 27 सेट कर दीजिए और एक्सट्रीम राइट में 2 और 5, 2 5 10, यहाँ पे हम 10 सेट कर देंगे, ये हो जाएगा 27/10, 27/10 हमारा जो है एक आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन 27/10 को क्या कर सकते हैं, हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम मिक्स फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करेंगे तो जो जो स्लॉट्स या जो जो बार हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और होल नंबर के लिए अलॉट की है वो उन्हीं बार में आ जाएंगे। देखिए कैसे, 10 से डिवाइड करूंगा 27 को, तो 10 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 27 को, 2 टाइम जाएगा 10 2 20, उसको हम कहाँ लिखेंगे, होल नंबर में लिखेंगे, और फिर उसको माइनस करेंगे 27 में से तो 7 आ जाएगा, और ये जो 7 है इसको हम कहाँ लिखेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर का जो स्लॉट है 4th 5th और 6th, 4th में 7 लिख देंगे, और लेफ्ट साइड में जो भी आपने लिखा है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो 2 7/10 जो है इस फ्रैक्शन का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। तो ये 3 क्वेश्चन आज जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के किए हैं, और कोशिश की थी जरूरत के हिसाब से कि मैं थोड़ी अपनी स्पीड को कम करूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। इसके अलावा यदि आप फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप YouTube पे साइट एंड विजन द लर्निंग, जिसमें हम अभी मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अलावा फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा चुके हैं, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की वीडियोज अभी अपलोड होना बाकी है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसमें सभी वीडियोज को देख सकते हैं, उसमें लगभग 30 और 32 के आसपास वीडियोज आपको अवेकस की मिल जाएगी। तो अपनी तरफ से मैं अभी समाप्त कर रहा हूं लगभग, बाकी सर नागेंद्र सर से गुजारिश करूंगा कि सर आगे का जैसे भी हो आप मुझे बताएं, और अगर जो भी स्टूडेंट्स को लग रहा है अगर कोई कमी है तो प्लीज जो मैं कर सकता हूं वो करने के लिए तैयार हूं। अब ओवर टू यू नागेश सर, प्लीज। धन्यवाद सर। एक बच्चे का एक प्रश्न आया है तो थोड़ा सा देख लेते हम लोग। क्यूब वाला क्वेश्चन 1, हर्षित मोदनवाल कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा रिवाइज मांग रहे हैं, क्यूब का एक थोड़ा सा रिवाइज मांग रहे हैं, छोटा सा उदाहरण, हर्षित मोदनवाल। सर आपका माइक म्यूट है सर। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, और
क्योंकि क्यूब का क्वेश्चन अभी नहीं करा पाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने कल कहा था आपको कि यदि हम प्रैक्टिस में हैं किसी चीज की, तो वो उसे हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। अबेकस पे अगर मैं बात करूं तो अबेकस अगर आपने 15 दिन भी करना छोड़ दिया तो 16वें दिन आपको ये करना थोड़ा कैलकुलेशंस में दिक्कत आने लग जाएगी। और थोड़ा क्यूब का मैं मुझे पहले खुद देखना होगा, इसलिए मैं वेरी फ्रेंकली आपसे कह रहा हूँ कि क्यूब मैं अभी आपको नहीं करवा पाऊंगा। तो अगर हाँ, अगर स्क्वायर से एडिशन सब्ट्रैक्शन, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। और उसके अलावा जो अगर पर्सनली किसी का क्वेश्चन है तो वो जरूर मुझे प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो सेपरेटली उसमें मैं क्यूब का जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं। तो इसके लिए सर प्लीज आप थोड़ा कन्वे कर दीजिएगा ठीक मेरे। सर, कोई बात ठीक नहीं, है सर। कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपने। जी सर सर सभी से गुजारिश करूंगा कि यदि आपको लग रहा है कि आप अबेकस में थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी पकड़ चाह रहे हैं तो प्लीज एक टाइम जरूर निकालें अबेकस के लिए, कम से कम आधा घंटा डेली या 20-25 मिनट जरूर। क्योंकि अगर आप टच में नहीं है तो अबेकस भूल जाता है। ब्रेल, टेलर फ्रेम वगैरह सब आपको लर्न रहेगा। आज सीखा है आपने तो 1 साल बाद भी अगर आप करना शुरू करोगे, भले उतनी स्पीड या प्रोफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाओगे लेकिन कर लोगे। लेकिन अबेकस की जब हम बात करें तो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ लोगों ने YouTube चैनल के बारे में पूछा है, तो लिंक निशांत गौतम ने यहाँ शेयर कर दी है। दो बार लिंक उन्होंने शेयर किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज की इस दिव्य एवं भव्य प्रस्तुति हेतु एवं इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी विशेषज्ञता हम लोगों के बीच में रखने हेतु आदरणीय श्री बिजलाल ठाकुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। यह पटल आपको बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे इस पटल पे दिया, और हमें आशा है तथा साथ ही साथ पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वचन, आपका सहयोग हम लोगों को आगे भी मिलता रहेगा। इन्हीं सभी संभावनाओं के साथ, इन्हीं सभी आशाओं के साथ मैं आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी विशेष शिक्षक एवं आदरणीय बड़े भाई तथा आदरणीय कोर्स कोऑर्डिनेटर जो सीआरसी पटना से, टीसीटीबीएच पटना से, टीसीटीबीएच लखनऊ से, सीआरसी लखनऊ से तथा टीएस मिश्रा लखनऊ से, सारथी लखनऊ से और SIPRH अमरोहा से, जितने भी हमारे विद्वत्तजन मध्य प्रदेश से, हमारे जितने भी विशेष शिक्षक दिल्ली से, हमारे जितने विशेष शिक्षक और सभी प्यारे छात्र छात्राएं हमसे जो जुड़े थे, सभी को इस आयोजन में जुड़ने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन और अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम इसी स्तर पर पूर्ण किया जा रहा है तथा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह पटल करता है कि आप इतने महत्वपूर्ण आयोजन में अपना समय दिए और आज आपने पूरे 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। पुनः बृजलाल ठाकुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद तथा सर को धन्यवाद सर, बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। यह पटल आपका रेडी रहेगा सर।